जनपद में बहने वाली तीनों नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है, लेकिन राप्ती नदी सुबह 8 बजे तक खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर तथा शाम को खतरे के निशान से मात्र 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 2 से 3 दिन के भीतर नदियों के पुराने स्तर पर आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित गाँव में अब तक लगभग 1 लाख राहत सामग्री का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा महीने में 2 बार निःशुल्क राशन वितरण कराया जा रहा है तथा भूसा उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर किसी का मकान गिर गया है तथा किसी प्रकार की क्षति हुई है तो वे अपने संबंधित तहसील में प्रार्थना पत्र दे दें, जांच के बाद उनको मुआवजा दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में मात्र राप्ती अब 15 सेंटीमीटर ऊपर खतरे के निशान से चल रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो कल तक राप्ती सहित सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे हो जाएंगी। और अगले 3 से 4 दिनों में अगर कहीं पर कोई पानी ठहरा हुआ है, रुका हुआ है किन्हीं सहायक नदियों के कारण, तो वो भी वापस नदी में चला जाएगा। अगर कहीं पर कोई वाटर लॉगिंग की समस्या है तो जिनके क्षेत्र में है वो अपने संबंधित तहसील में या नगर निगम में संपर्क कर सकते हैं और हम लोग वाटर लॉगिंग भी समाप्त करा देंगे। बाढ़ प्रभावित गांवों में क्या व्यवस्था है? बाढ़ प्रभावित गांवों में हम लोगों ने लगभग 1 लाख किट राशन सामग्री का वितरण कर दिया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा महीने में 2 बार निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, भूसा उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी का यदि कहीं पर कोई मकान गिर गया है या कोई और क्षति हो गई है तो वो अपनी संबंधित तहसील में एक प्रार्थना पत्र दे दें, जांच हो जाएगी तो उनको नियमानुसार मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा।